अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं और पत्नी को वाइफ। लेकिन एक ऐसा अजीब मामला सामने आया है जिसमें पत्नी अपने पति के लिए हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। क्या है ये पूरी बात, आइए जानते हैं जब गजब में। और मैं हूँ आपकी दोस्त मेघा, स्वागत करती हूँ आपका। सोशल मीडिया पर एक घटना सामने आई है जिसमें महिला ने अपने पति को हस्बैंड कहने से मना कर दिया है और महिला के इस कदम को लोगों ने पति के खिलाफ नाराजगी समझा। लेकिन अब जब महिला ने ऐसा करने की वजह बताई तो जानकर लोग हैरान हो गए। महिला के हस्बैंड का मतलब बताए जाने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई महिलाओं ने अपने पति को हस्बैंड कहना भी छोड़ दिया और उन्होंने इसकी जगह कुछ और ही शब्द कहने शुरू कर दिए। महिला कहती है हस्बैंड शब्द का मतलब पति नहीं होता है और जब से ये बात सामने आई है तब से लोग गूगल पर हस्बैंड का मतलब ढूंढ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर इस शब्द को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और इसका असली मतलब क्या होता है। अब महिलाएं हस्बैंड को हस्बैंड नहीं कहेंगी तो पति को क्या कहकर पुकारेंगी? दोस्तों, इस शब्द का आविष्कार कैसे हुआ, ये कहां से आया और ये जो विवाद है ये अमेरिका में शुरू हुआ और वहां के सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। अमेरिका की ऑड्रा फिगराल्ड एक बयान में कहती है कि वो अपने पति को पति नहीं कहेगी, यानी वो अपने पति को हस्बैंड नहीं कहना चाहती। न्यूयॉर्क की रहने वाली 26 साल की फेमिनिस्ट ऑड्रा फिगराल्ड कहती हैं कि वो अपने पति को हस्बैंड की जगह वेयर कहकर बुलाएंगी। वेयर का मतलब पति होता है, इसकी स्पेलिंग WER होती है। ऑड्रा के बयान के बाद पूरी दुनिया में हजारों महिलाएं इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। सैकड़ों फेमिनिस्ट महिलाओं ने इस बात का समर्थन किया है तो वहीं कई महिलाओं ने इसे बकवास बताया है। ऑड्रा ने कहा कि हस्बैंड लिंगवादी शब्द है और इससे पुरुषवादी मानसिकता का पता लगता है। हस्बैंड लैटिन भाषा से बना है जिसमें हस का मतलब होता है घर और BAND यानी बॉन्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से देखा जाए हस्बैंड शब्द का मतलब हुआ घर का मालिक और ये शब्द महिलाओं को नीचा दिखाने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि हस्बैंड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। वेल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जब मैं अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।